प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद मेयर की सीट 17 नगर निगम में सबसे ज्यादा बहुमत से जीत हासिल करेगी और बागी हुए भाजपाइयों पर बोलते हुए कहा कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और सभी एक साथ मिलकर चुनाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं जितिन प्रसाद ने मंच पर बोलते हुए कहा कि आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव में जुटना है और भाजपा ही वह संगठन है जिसमें किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, वरना अन्य संगठन में आए दिन झगड़े और तोड़फोड़ होती रहती है। इस दौरान मंच पर बोलते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि चुनाव को रणनीति के तहत जीता जाएगा। हालांकि इस दौरान मंच पर बोलते हुए अन्य नेताओं के दिल की पीड़ा भी उभरती हुई नजर आई और इशारों इशारों में अपनी बात भी कह गए और निशाना भी लगा दिया। टिकट बंटवारे के बाद मंच मिला तो सभी ने अपनी बात कह डाली। पार्टी की विशेषता है कि आज मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि पार्टी ने फैसला ले लिया व्यक्ति विशेष के लिए और जिन जिन लोगों ने आवंटन दिए थे वो भी पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए आज जगह बैठे और ये अनुशासन, ये निष्ठा, ये समर्पण, यही भारतीय जनता पार्टी का अन्य दलों से फर्क जो दिखता है। ये अन्य दलों में नहीं है, वहां तोड़ फोड़ मची हम लांछन लग रहे होंगे, आरोप प्रत्यारोप हो रहे होंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है यही वजह की पार्टी अलग दिखाई देती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे प्रत्याशियों का चयन शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है और पूरी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव छोटा हो या बड़ा पूरी मुस्तैदी से लड़ा जाएगा। आज कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है, भारी उत्साह है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां इतने 17 निगम हैं, उसमें मुरादाबाद में मुझे आज हिदायत दिया गया है, सबसे ज़्यादा विशाल मार्जिन से विजय होगी और एक तरफा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री। धन्यवाद। चलो, सब आ गए। ये पार्टी अनुशासित है, एक बार निर्णय हो जाता है तो सभी कार्यकर्ता से ले नेता जो नेतृत्व का निर्णय उसका सम्मान करता है।